हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखी है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के फोर डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू 8t। आगे कहना चाह रहा है ये कंडीशन तब है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है और टी ग्रेटर देन जीरो है। ओके, विद द कंडीशन, एक कंडीशन और लगा रखी है, यू इज इक्वल टू जीरो है वैन टी इज इक्वल टू जीरो है एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, टी इज इक्वल टू जीरो पर यू की वैल्यू दे रखी है जीरो। आगे कह रहा है u इज इक्वल टू 2t² वैन x इज इक्वल टू 0 है। ओके, u की वैल्यू दे रखी है 2t² जब x इज इक्वल टू 0 है और t ग्रेटर देन 0 है। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार मैं तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है, कैसे है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कम से कम सपोर्ट के लिए यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो। मेरे को जो कंडीशन दी हुई है, द गिवन कंडीशन इज, ओके, द गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन भाई, जरा समझने की कोशिश करना। गिवन कंडीशन ये दे रखी है यू एक्स कोमा जीरो, यानी एक्स कोमा जीरो पर वैल्यू जो है, ये तो होता है एक्स और ये होता है टी। एक्स कोमा जीरो पर जो वैल्यू दी हुई है मेरे को वो कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है जीरो। ध्यान से देखो आप, यू एक्स कोमा जीरो पर जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दे रखी है भाई, एक बार तो साफ कर दूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इज इक्वल टू मेरे को दे रखी है जीरो, ध्यान से देखो भाई आप। ओके, और आगे जो कह रहा है कि यहाँ कंडीशन ये लगी हुई है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो। दूसरी कंडीशन जो मेरे को दे रखी है भाई वो ये दे रखी है u ऑफ x की वैल्यू जीरो है और t ग्रेटर देन जीरो है। u ऑफ जीरो कोमा टी, ये वैल्यू मेरे को दी हुई है कितनी, 2t² ओके, दिस इज 2t², ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ कंडीशन कह रहा है कि t जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर। नाउ मेरी गिवन इक्वेशन क्या है, ज़रा गिवन इक्वेशन को देखो अब आप। गिवन इक्वेशन इज, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस फोर डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू दे रखा है 8t² विद नेगेटिव साइन, क्लियर है ना। मैंने क्या किया भाई, बेटा ये 8t है, मैंने टी स्क्वायर गलती से गलत लिख दिया, दिस इज 8t, ध्यान से देखो। ओके, दिस इज 8t, यहाँ देखो, क्लियर है ना। मैंने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत साइड किया मैंने। ओके, तो मेरे पास इधर निकल कर क्या आया, एल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस फोर एल ऑफ डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू बना माइनस के 8 एल ऑफ टी, क्लियर। हमारे पास जो फार्मूला होता है एल ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है डी यू ओवर डी एक्स। ओके, एक तो फार्मूला हमारे पास यू होता है और एक फार्मूला और भी होता है अगले स्टेप के अंदर, मैं उसको लिखूंगा मैं। तो एंड डेल यू ओवर डेल टी का एल ऑफ डेल यू ओवर डेल टी का जो फार्मूला होता है भाई वो कितना होता है, वो होता है पी यू बार पी यू बार एक्स कोमा पी और माइनस यू ऑफ एक्स कोमा जीरो। ओके, एक फार्मूला मेरा ये होता है, मैंने दोनों के दोनों फार्मूलों का यूज़ जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कर लेना है और मेरे को रिजल्ट्स निकाल लेने हैं। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है मेरे को, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, इसके अंदर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करूँगा, यानी मैं ये फार्मूला लगाऊंगा एक तो, ओके, और एक ये वाला फार्मूला लगाऊंगा आपके सामने है। तो मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगी डी ऑफ डी ओवर डी एक्स, यहाँ होगा यू बार
एक्स कोमा पी, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद प्लस ये हो जाएगा 4, और यहाँ बनेगा कितना भाई, पी यू बार एक्स कोमा पी, ये तो फिक्स ही रहता है भाई, एक्स कोमा पी माइनस यू ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो इज इक्वल टू, उधर था मेरे पास कितना भाई, माइनस 8, और टी का हो जाएगा पी स्क्वायर। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, जरा बाउंड्री कंडीशन देखो आप, पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ क्वेश्चन को, ये हो जाएगा डी यू बार, ये वाला स्टेप, डी ऑफ यू बार ओवर डी एक्स प्लस 4 पी यू बार प्लस सॉरी माइनस 4 यू ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो इज इक्वल टू बनेगा माइनस 8 बटे पी स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, बट मेरे को जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है ज़रा उसको देखो आप, यू ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, ये देखो आप यू ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दी हुई है। मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा u of x कोमा जीरो की जगह, बट u of x कोमा जीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मेरे को 0। ओके, इस इक्वेशन के अंदर जैसे मैंने पुट की, ये बना डी यू बार ओवर डी एक्स प्लस 4 पी यू बार माइनस के 0 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन पी स्क्वायर। ओके, यहाँ से मेरे पास सीधा बनाइए डी यू बार ओवर डी एक्स प्लस 4 पी यू बार इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन पी स्क्वायर। जरा आप गौर करके देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगले पेज पर जाता हूँ मैं, मेरे पास जो बना भाई वो ये बना डी यू बार ओवर डी एक्स प्लस 4 पी 4 पी यू बार इज इक्वल टू कितना बना भाई, माइनस 8 अपॉन पी स्क्वायर। ओके, यह जो है मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो कैसे है। आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्यू होता है या आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके अंदर एक वर्ड होता है इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p इंटू डी एक्स, आपको पता है। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ gx, वो होता है y गुना y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू q इंटू डी एक्स। आप इस फार्मूले को बहुत अच्छे से जानते हो, पूरी की पूरी डिटेल आपको पता है, मैं इस फार्मूले का यूज़ करने जा रहा हूँ। नाउ अब इधर देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है भाई ये। ओके, एक चीज़ और भी देख लो भाई, इसके अंदर जो दे रखा है ज़रा उसको देखो। नाउ बट गिवन दैट उसका यूज़ किया जाएगा, गिवन दैट मैं आपको पहले लिख दूँ फिर आपको बताऊँगा क्या गिवन है। आपको गिवन है भाई यू ऑफ 0, t की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 2t2। ओके, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है u ऑफ 0, t की वैल्यू दे रखी है 2t2। ओके, मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ ताकि बाद में मेरे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा l ऑफ u 0, t, क्यों इसका यूज़ होगा अभी, बराबर 2 l ऑफ t2 हो जाएगा। आपको पता है u बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये और t के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने पे u बार के अंदर कन्वर्ट हुआ 0, t किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, t के अंदर कन्वर्ट हुआ इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t2 का निकलेगा 2 बटे t2, 2 बटे p की पावर 3, यानी आपके पास निकल करके आएगा भाई u बार 0, p की वैल्यू निकल करके आएगी
चार बटे पी की पावर 3। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने रेड कलर में लिखा है, इसका मैं यूज करने वाला हूँ। नाउ अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आ जाइए, ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिजल्ट मैं साथ साथ नोट करते हुए चलूंगा, मेरे को इसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बनी हुई है भाई, du bar over dx प्लस 4p u बार इज इक्वल टू -8/p स्क्वायर। ओके, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन है u बार 0, p इज इक्वल टू, बाउंड्री कंडीशन क्या है, u बार 0, p इज इक्वल टू 4/p की पावर 3, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है। ओके, अब जरा यहाँ से देखो, जब मैं इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालूंगा, नाउ मैंने निकाला इसका इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू निकल करके आएगी इंटीग्रेशन e टू द पावर कितना निकलेगा भाई, 4p इंटू dx। क्यों, ये u बार के अंदर लीनियर इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन u बार, क्लियर है ना। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, कितना निकल गया भाई, ये हुआ e टू द पावर 4px। नाउ अगर मैं जनरल सोल्यूशन की बात करूँगा तो जनरल सोल्यूशन मेरे पास कितना होगा भाई, u बार जो इधर है गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू कितना होगा, q इंटू dx। ओके, और यहाँ q की जो वैल्यू है, q है -8/p स्क्वायर आपके सामने है, मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ करा, u बार तो मेरा एज इट इज, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू डाली e टू द पावर 4px, e टू द पावर कितनी भाई, ये हुई मेरे पास 4px इज इक्वल टू, उस तरफ बना मैंने पहला आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लगाया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जरा समझने की कोशिश करना भाई, 1/p स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस कितने है, e टू द पावर 4px इंटू dx, क्लियर है ना। और ये जो माइनस है, ये 8 जो है इसको मैंने, चलो 8 मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर। अब जरा इस चीज़ को देखो, आप इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैंने इसका इंटीग्रेट किया। ओके, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ पहली बार। ओके, इसमें आई नेट लगाओ, ILATE का यूज़ करो आप, आई नेट लगाने के बाद इसका इस पोर्शन का आप इंटीग्रेशन खुद से करोगे, बच्चों वाली बात है, क्यों मैंने बहुत इंटीग्रेशन आपको बता रखे हैं भाई, इतनी छोटी सी बात मैं इस क्लास के अंदर नहीं बताने वाला हूँ आपको। तो ये हुआ u बार तो इधर हुआ भाई e टू द पावर 4px, ये हुआ, जैसे ही इंटीग्रेशन करूँगा मैं, इंटीग्रेशन के बाद इसका रिजल्ट निकल करके आएगा c माइनस 2/p स्क्वायर होगा, सॉरी 2/p की पावर 3 होगा और e की पावर होगा 4px। ओके, ये आपका रिजल्ट होगा। अगले पेज में चलता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यानी मेरा जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा u बार e टू द पावर 4px इज इक्वल टू होगा c माइनस 2/p की पावर 3। ओके, टू अपॉन पी की पावर 3 इंटू 2/p की पावर 3 और यहां हो जाएगा e टू द पावर 4px। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ से अगर मैं u बार की वैल्यू निकालता हूँ, ओके, ये c है बेटा जो आप ये वाला जो है ना, ये c है, मैंने यहाँ से u बार की वैल्यू निकाली, u बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना भाई, c/e^4px माइनस 2e^4px बटे e की पावर 3 हो जाएगा और गुणा e टू द पावर 4px हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, u बार जो निकल करके आएगा वो कितना निकलेगा भाई, सीधा सीधा निकलेगा c इंटू e टू द पावर -4px और माइनस कितना हुआ भाई, 2/p की पावर 3, 2/p की पावर 3, क्लियर है ना। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है,
दिस इज माई इक्वेशन नंबर बी। इससे पहला आप इक्वेशन नंबर वन देखो क्या थी आपके पास। ओके, इक्वेशन नंबर वन देखो आप, मैं लिख रहा हूँ पहले फिर आपको बता दूंगा। बट यू बार 0, P की जो वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, वो थी 4/P³। इस चीज़ को देखो आप, 4/P³। ये देखो आप, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो है ये वाली वैल्यू जिसका मैं यूज़ करके रिजल्ट निकालूंगा। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, तो यहाँ से मेरे पास बनी दिस इज माई ए इक्वेशन। क्लियर है ना? अब ये वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा भाई, या यहाँ डालने के बाद मैं सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, यहाँ से देखता हूँ मेरे पास कितना निकल करके आता है। मैंने यू बार की वैल्यू यहाँ डाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, मैं लिख भी रहा हूँ पुटिंग यू बार इज इक्वल टू 4/P³ इन बी इक्वेशन। ओके, तो मेरे पास इधर निकला भाई, यहाँ ये निकल गया 4/P³ हो गया, ये इज इक्वल टू कितना निकला भाई, 4/P³। और यहाँ ये भी देखो आप, ये x है, x की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, u बार तो ये डाला मैंने, और x इज इक्वल टू कितना डालना पड़ेगा, 0 डाला मैं। ओके, साथ में देखो आप, ज़रा समझने की कोशिश करो, यहाँ ये मैं अलग अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस इज एक्स। ओके, तो मेरे पास जो निकल करके आ 4/U/P में कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा है, सॉरी ये वैल्यू डाल दी मैंने, ये हुआ c गुणा e^0 माइनस 2/P³। ये इधर आकर के प्लस, ये हुआ 4/P³ प्लस 2/P³ इज इक्वल टू सी, तो e^0 की वैल्यू होती है 1, और ये निकल गया c इज इक्वल टू निकल गया 6/P³। ओके, ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ डालूँगा इस इक्वेशन के अंदर। ओके, मेरे को आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट चाहिए, आप ये मान लो कि यहाँ डालूँगा मैं इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ बात एक ही है, इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा। क्लियर है ना? चलो मैं अगला पेज देखता हूँ। मेरे पास यू बार की जो वैल्यू थी वो कितना था, यू बार इज इक्वल टू c e^-4x, c e^-4x, यू बार इज इक्वल टू था c e^-4px, तो ये था। और साथ में मेरे पास कितना था भाई, -2/P³ था, एंड c की जो वैल्यू निकल करके आई थी 6/P³ थी। ओके, ये मेरी इक्वेशन बी थी। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग c इज इक्वल टू 6/P³ इन बी इक्वेशन बी के अंदर डाल दी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास u बार जो निकल करके आया, ये हुआ u बार, x, p तो रहता ही रहता है भाई, ये तो कहने की बात है ही नहीं, इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, ये हुआ 6/P²P³ इंटू e^-4px आपके सामने है, और माइनस के 2/P³। यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर? ओके, अब मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा, टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, जैसे ही मैं L इनवर्स बोथ साइड लूंगा तो ये हो जाएगा L इनवर्स U बार x, p इज इक्वल टू, इधर कितना बन जाएगा मेरे पास भाई, 6 तो बाहर है, 6 बाहर, और ये बनेगा L इनवर्स 1/P³ इंटू e^-4px। एक तो ये बनेगा -2L^(1/P³). ओके, इससे, अरे यार ये तो पेज किसका गया, चलो बाहर से L इनवर्स कट जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा u(x, t). ओके, क्यों, इनवर्स तो खत्म हो चुका, अब pt के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, u ऑफ x कोमा टी
इज इक्वल टू, देखो आपको अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आता है, ओके आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ मैंने हैवी साइड फार्मूले का यूज़ करा बाय यूजिंग हैवी साइड फार्मूला। अब मैं आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताने वाला, ओके मैं हिंट दे रहा हूँ, हैवी साइड फार्मूले का यूज़ करा मैंने, ओके हैवी साइड फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ इस स्टेप के अंदर मैं आपको बता भी रहा हूँ एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स और इनवर्स लाप्लास आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई, ओके जैसे ही मैंने यहाँ हैवी साइड फार्मूला लगाया तो ये मेरे पास निकल करके आया कितना, थ्री इंटू ये हुआ टी माइनस के फोर इंटू इसका टी माइनस के फोर एक्स, एक मिनट रुक जाओ बेटा जरा सी गलती कर दी है मैंने, कितना निकला भाई टी माइनस फोर इंटू एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, ओके और एच ऑफ हैवी साइड फार्मूला हो टी माइनस टू एक्स टी माइनस के फोर एक्स सॉरी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा मैंने माइनस के टी स्क्वायर। क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको इस ये जो लास्ट लाइन है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। रही बात इस चीज़ की भाई, मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अगर अगर आपका मजबूत और बढ़िया होगा ना तभी आप इसका हैवी साइड फार्मूले से रिजल्ट निकाल सकते हो, अर्थात ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है, मैं बता भी रहा हूँ दिस द फार्मूला, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आपका कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू, ओके बाय।